रेशम जैसा नर्म, मुलायम और बहुत ही लजीज रेशमी चिकन कबाब। तो आज हम बनाएंगे ये चिकन स्टार्टर, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में एकदम लाजवाब। तो सबसे पहले हमें लेना है आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने इस तरह पतले लंबे पीसेस में काटा है। इस तरह चिकन को काट लेने से ये बहुत ही अच्छी तरह से टाइट स्कूअर स्टिक्स पर बैठ जाते हैं और मसाला भी अच्छी तरह से इस पर लग जाएगा। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लेते हैं। चिकन के हिसाब का नमक डाल लेते हैं, करीब 1/2 चम्मच। आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ लेंगे। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को और चिकन को हम इसी तरह से छोड़ देंगे फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला मैरिनेशन। दूसरे मैरिनेशन के लिए हम लेंगे 3 बड़े चम्मच भरकर पानी निकाला हुआ दही। फ्रेश क्रीम ले लेंगे 1/4 कप। 1 चम्मच भरकर डालते हैं हरी मिर्च का पेस्ट, या हरी मिर्च को आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भरकर लेते हैं कुटी हुई सफेद मिर्च, आपके पास अगर पाउडर है तो वो डाल लीजिए। 1/2 चम्मच लेंगे हरी इलायची का पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। जायफल को इस तरह से क्रश करके करीब 1/2 चम्मच ले लेते हैं। धनिया के पत्ते चॉप करके डालेंगे। अगर पेस्ट हम डालेंगे तो टिक्का का कलर थोड़ा सा हरा हो जाएगा। नमक डाल लेते हैं, बस ये मसाले के हिसाब का। अब अच्छी तरह से इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। कोई भी लंप ना रहे इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब चिकन जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा है फ्रिज में, इसे डाल देते हैं। सारे चिकन के पीसेस डालने के बाद हम ये व्हाइट मिक्सचर के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम रख लेते हैं मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए। जितना ज्यादा इसे मैरिनेट करेंगे उतना ज्यादा ये नर्म और मुलायम बनकर रेडी होगा। चिकन मैरिनेट हो जाए इसके बाद हम इसे इस तरह से स्कूअर स्टिक्स पर लगा देंगे। चिकन के पीसेस को हम फोल्ड करके लगा लेंगे। इस तरह से चिकन के पीसेस को फोल्ड करके लगाने से ये स्कूअर स्टिक्स पर अच्छी तरह से टाइट बैठ जाता है। आप चाहें तो इसे बैम्बू की स्कूअर स्टिक्स पर भी लगा सकते हैं। अब ये रेशमी चिकन टिक्का को हम चाहें तो ओवन में रोस्ट कर ले, या फिर तंदूर में, या फिर हम इसे आसानी से घर में इस तरह से बना लेते हैं। तेल 1 बड़ा चम्मच और घी 1 बड़ा चम्मच डालकर पैन में हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें घी की जगह बटर भी डाल सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम चिकन टिक्का को फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसे सारी जगह से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें चिकन टिक्का को फ्राई कर लेना है। सारी जगह ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, बढ़िया से गोल्डन कलर आ जाए इस पर, बस तो फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे और ये हमारा मजेदार लजीज रेशम जैसा रेशमी चिकन टिक्का कबाब बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालकर सजा लें। चटनी, मेयोनीज सॉस या सैलेड के साथ आप इसे सर्व कर लीजिए।